नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी विपक्षी गठबंधन इंडिया और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंची है। राहुल गांधी बोले, चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, राहुल गांधी जैसे ही झारखंड में पहुंचे, यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में पहुंची, वैसे ही पीएम मोदी का धनबाद दौरा यहां पर किया गया है रद्द। अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर करके मोदी जी का धनबाद दौरा रद्द किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले यहां पर, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पाकुड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया है और जबरदस्त यहां पर भाषण दिया है और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है चंपाई सोरेन ने। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर बताते चले कि चंपाई सोरेन 5 को बहुमत करेंगे साबित, ऑपरेशन लोटस को विफल करने के लिए जेएमएम कांग्रेस के विधायक यहां पर हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद में 5 फरवरी की सुबह 7 बजे तक रुकेंगे। झारखंड के 43 विधायक, हर 4 MLA पर 1 केयर टेकर नियुक्त किया गया है। जी हां दोस्तों, बताते चले कि चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झारखंड के गठबंधन दलों के 43 नेता जो कि विधायक हैं, वे यहां पर चार्टर प्लेन से रांची से हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद से 2 बसों में वे यहां पर रिजॉर्ट में पहुंचाए गए हैं। इनके लिए रिजॉर्ट में ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये 5 फरवरी की सुबह 7 बजे तक वहां पर ठहरेंगे। स्पेशल फ्लाइट से ये सभी लोग यहां पर 5 फरवरी की सुबह हैदराबाद से रांची के लिए रवाना होंगे, जहां पर विधानसभा में चंपाई सोरेन की सरकार बहुमत साबित करेगी। पूरे मामले पर झारखंड के मंत्री का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार 5 फरवरी को विश्वास मत यहां पर आसानी से हासिल करेगी, हमारे पास में पूर्ण बहुमत है। इतना ही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर सुधीर चौधरी की यह मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। देश के अलग अलग जगहों पर SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। सुधीर चौधरी और अरुण पुरी के यहां पर विरुद्ध राजधानी दिल्ली के एक थाने में SC ST एक्ट के तहत आदिवासी छात्रों के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब देश भर में हर मिनट पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो चुका है। क्या प्रशासन अपना काम अब करना शुरू करेगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मांग तेज हो चली है कि सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और सवाल उठ रहा है कि आखिर सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी कब होगी। पूरे मामले पर प्रियंका गांधी का भी दोस्तों बयान सामने निकल के आ चुका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक चैनल के एंकर ने हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस तरह अपमान किया है, वह अत्यंत ही शर्मनाक और निंदनीय है। ये यहां पर सुधीर चौधरी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में कई जगहों पर SC ST एक्ट के तहत में मुकदमे हो रहे हैं उन पर दर्ज, और गिरफ्तारी की मांग भी तेज होती जा रही है। अगर आप लोग भी सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों #, सुधीर चौधरी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के पाकुड़ पहुंची। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि झारखंड में आपने जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चुराने और उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी साजिश के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। झारखंड की जनता बधाई की पात्र है, जो कि डरी नहीं और पीछे नहीं हटी, इस तरह उसने अपनी सरकार बचाई है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बीजेपी से हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, उनके पास अपार धन है और सारी की सारी एजेंसियां हैं, जितना दबाव डालने की कोशिश वे कर सकते हैं करें, पर कांग्रेस बीजेपी और RSS से डरने वाली नहीं है।
राहुल गांधी ने कहा है कि एक साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। इसका मकसद बीजेपी और आरएसएस जो देश में नफरत फैला रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होना था। ये यहां पर झारखंड पहुंचते ही राहुल गांधी ने एक विशाल रैली को किया है संबोधित। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बताते चले आप लोगों को। अखिलेश यादव ने कर दिया है बड़ा दावा, बीजेपी में मचा हड़कंप। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा यूपी में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है कि वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी और प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट यहां पर ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि इसलिए भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपनी जेबें भरने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। इसी वजह से जनता में भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ में बहुत ही गुस्सा है। इन विपरीत हालातों को देखते हुए भाजपा में नए प्रत्याशियों की खोज जारी है, लेकिन कोई भी हारने के लिए लड़ना ही नहीं चाहता है। इसी कारण भाजपा की तरफ से एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। भाजपा के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने परीक्षा नहीं दी तो रिपोर्ट कहां पर दिखाएंगे। भाजपा के टिकट काटने से पहले जनता ने ही उनका नाम यहां पर काट दिया है। इस बार उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपाइयों को दाखिला नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जुमलेबाजों को नहीं सच्चा और अच्छा काम करने वालों को ही चुनेगी। ये यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बड़ा बयान जारी किया है और दावा किया है यूपी की राजनीति को लेकर के। इसके साथ ही बताते चले बिहार से खबर आ रही है, जहां पर एनडीए की नीतीश सरकार में यहां पर जबरदस्त फूट नजर आ रही है। मांझी ने शुरू की है दबाव की सियासत, दो मंत्री पद की रख दी है मांग, बीजेपी में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, जीतन राम मांझी यहां पर लगता है कि बगावती तेवर अब अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी का कहना है कि जब मैं महागठबंधन से सीएम का पद ठुकरा चुका हूं तो फिर दो मंत्री पद ना मिल पाना हमारे साथ अन्याय होगा। मैंने अपनी बात अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से यहां पर रखी है। हमको दो मंत्री पद मिलने चाहिए वरना ये यहां पर अन्याय होगा, कहना है जीतन राम मांझी का। दोस्तों इस वक्त की एक बेहद ही ताजा जानकारी सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले कि कांग्रेस महाराष्ट्र से राज्यसभा में नए चेहरों को यहां पर मौका दे सकती है। सूत्रों के अनुसार पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और प्रवक्ता आलोक शर्मा के नामों पर विचार चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इन दोनों ही नामों में से किसी एक को यहां पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले कि कई और नामों पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विचार किया जा रहा है। जो भी आगे की जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।